मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और इतने सालों के बाद पता नहीं मैं कब इतनी सुबह उठ के गार्डन आई हूँ। मैं और तमन्ना हम लोग गार्डन आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मैंने चैलेंज लिया था इसीलिए वही पूरी करने की कोशिश की हूँ। लेकिन आज हम थोड़ा सा लेट हो गए। हम घर से निकले थे 6:15 बजे और यहाँ पे आके हमको बज गए 7:15। तो अभी जस्ट मतलब ऐसा लग रहा है कि धूप आने वाली है, बट अभी हम जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे, कल हम टाइम पे आएंगे। और ये घर से हम लोग गार्डन जाने के लिए निकल गए। देखो सुबह के मतलब 6:15 बज रहे हैं, फिर भी इतना लाइट आ गया, ऐसा लग रहा है 10-11 बज रहे होंगे। कल से हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे और आएंगे। और ये ग्राउंड है और ये पहुंच गए हम लोग अपने गार्डन में जहाँ पे हमको जाना था। तो चलते अंदर। ये देखो गाइस, सुबह सुबह भी कितने सारे लोग आते हैं, मतलब सिर्फ मैं ही सोती रहती हूँ, बाकी तो सब लोग आते हैं। ये योगा वोगा सब, सुबह उठने की तो बात ही कुछ अलग रहती है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना सब देखने में, ग्रीनरी सब जगह, प्लांट्स और सारे फ्लावर्स और हर कुछ, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ का भी ऐसा वाला जिम सेक्शन का भी मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो मैं भी मज़े से यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, झूले वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। तो फिर एक्चुअल में फिर मैंने सोचा कि यार गार्डन आए और झूला नहीं झूले, इसीलिए मैं झूला झूलने के लिए भी जा रही थी थोड़ी देर बाद। 18 साल के नहीं हो ना तुम लोग? आज के लिए इतनी एक्सरसाइज काफ़ी है, तो हम लोग फिर घर जाने के लिए निकल गए। और घर जाके मैंने पिया एप्पल साइडर विनेगर ग्रीन टी, उसके बाद में मैंने फिर थोड़ी सैलड खाया, उसके बाद मैंने फ्रूट सैलड भी खाया। और आज थी अष्टमी, इसीलिए शाम को हम लोग रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए। ये मेरा आउटफिट है जो कि एशियन ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया था बहुत पहले, ये आपको आजियो मिंत्रा पे मिल जाएगा। और ये देखो मंदिर में आज महाप्रसाद वगैरह भी मिल रहा था, तो हम लोग मंदिर के अंदर चले गए थे। और फिर आज हम लोग आरती वगैरह सब करने वाले थे यहाँ पर। और फिर आरती ख़त्म होने के बाद में फिर मम्मी हम लोग को लेके गई एक साड़ी की शॉप में। उनको नानी और मौसी के लिए साड़ी खरीदनी थी। इतनी सारी साड़ी देखने के बाद में उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था और मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी इसीलिए। और फिर पसंद किया तो एक जैसी दो साड़ियाँ ले ली जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सो ये एक रेड वाली साड़ी है जो बहुत अच्छी थी, और रेड नहीं है, थोड़ा पिंकिश टाइप में था, इसमें रेड दिख रहा है। और बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में थोड़ी हैवी लग रही थी लेकिन पहनने में बहुत लाइट साड़ी है ये। और फिर मैं देखो कैसा फ्लॉन्ट कर रही, और मैंने बोला था कि मैं भी किसी दिन पहनूंगी। और फिर वैसे ही सेम पैटर्न में एक और येलो कलर की साड़ी खरीदी थी, एक मासी के लिए और एक नानी, सॉरी हाँ मासी और नानी के लिए। और ये येलो वाली दोनों भी बहुत प्यारी थी। मैं मोटी लग रही हूँ क्योंकि मैंने अंदर पैंट पहने थे और उसी के ऊपर मैंने लपेट ली थी साड़ी। येलो वाली भी बहुत प्यारी थी और रेड वाली भी बहुत प्यारी थी, मुझे तो दोनों अच्छी लगी। आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी प्लीज बताना। फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।